एंटमैन द क्वांटम मेनिया और शहजादा मूवी। देखो दोनों ही फिल्म एक दिन रिलीज हुई थी यानी कि 17 फरवरी को, तो हमने सोचा कि कल भी मैंने आपको दोनों मूवी का एक ही वीडियो में कलेक्शन बताया था और इस वर्ल्ड में भी आपको दोनों मूवी का कलेक्शन बताऊंगा, बट कल शहजादा का पहले बताया था और आज एंटमैन का पहले हम बात करने वाले हैं कि एंटमैन ने वर्ल्ड वाइड के अंदर क्या कलेक्शन किया है और क्या बताऊँ इंडिया से क्या कलेक्शन रहा है, क्योंकि इंडियन का जो कलेक्शन है वो काफी ज्यादा रॉ निकल के आया है, वर्ल्ड वाइड के अंदर उतना ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, बट उसको भी मैं कोशिश किया कहीं ना कहीं से निकालने की भाई कहीं ना कहीं तो पता चले। चलिए जानते हैं इन दोनों फिल्मों का क्या कार्यक्रम रहा है। लिटरली मैं एक चीज बताऊं तो देखो दोनों ही फिल्में सच कहूं तो वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है जो किसी भी अच्छी फिल्म को मिलना चाहिए, क्योंकि इसको रिव्यू भी काफी ज्यादा अच्छा नहीं मिला था। तो बात करते हैं एंटमैन द क्वांटम मेनिया का टोटल कितना कलेक्शन हो गया, डे वाइज भी मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूं। तो देखो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो पहले दिन इस फिल्म ने जो टोटल कलेक्शन किया था इंडिया के अंदर वो था 8.4 करोड़ रुपीज का, दूसरे दिन का जो कलेक्शन रहा था वो अप्रॉक्सिमेटली 9.3 करोड़ रुपए रहा था, और मैं अगर बात करूं कि तीसरे दिन इस फिल्म का जो कलेक्शन आया था आई थिंक वो था 8.14 करोड़ रुपीज। अब चौथे दिन जो इस फिल्म का कलेक्शन आया है वो बहुत ही ज्यादा गिरावट है क्योंकि वीकेंड डेज नहीं है, तो 2.3 करोड़ रुपए एंटमैन द क्वांटम मेनिया ने हिंदी मैं कह दूं इंडिया से कमाए हैं, जहां पे हिंदी का जो कलेक्शन रहा है वो रहा 0.9 करोड़ रुपीज और इंग्लिश लैंग्वेज का जो कलेक्शन रहा है वो काफी अच्छा रहा है, वो रहा है भैया 1.4 करोड़ रुपीज। अब मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म का क्या कलेक्शन रहा है इंडिया के अंदर टोटल और वर्ल्ड वाइड के अंदर टोटल, तो इंडिया का जो टोटल कलेक्शन हो जाता है वो हो जाता है 28.15 करोड़ रुपीज यानी कि 28.15 करोड़ रुपए इस फिल्म ने टोटल कलेक्शन कर लिया इंडिया के अंदर। और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है $359 मिलियन। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म का बजट कितना था $200 मिलियन, तो 200 मिलियन को पार कर लिया, मतलब इसका बजट तो रिकवर कर लिया है, एक हिट फिल्म बन चुकी है, बट देखने लायक होगा क्या वो उस तरह से कमाल कर पाती है जिस तरह से मार्वल की बेहतरीन मूवीज का कलेक्शन रहता है। मतलब अभी सच कहूं तो किसी प्रीवियस मूवी से ज्यादा कलेक्शन इस फिल्म ने नहीं किया है, जो कि मुझे उम्मीद है कर तो जाएगी, ये चीज तो है, फेज 5 की शुरुआत हुई है तो इसको काफी लोग देखने जाएंगे, बट ओवरसीज के अंदर भाई इस फिल्म का काफी कलेक्शन रहा है। मैं कहूं कि अगर आपको मैं बताऊं कि 120 मिलियन डॉलर है भैया इस फिल्म ने अमेरिका से ही कमा लिए हैं और 259 मिलियन डॉलर जो है अदर कंट्रीज का टोटल रहा है, तो ओवरऑल जो मैं बात करूं तो वो होता है 359 मिलियन डॉलर इस फिल्म ने टोटल कलेक्शन किया इंडियन रुपीज में, आप एक बार कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं आई थिंक 2000 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन है यार, 2000 करोड़ के ऊपर का है, मैं आई थिंक 2022 करोड़ के आसपास का कलेक्शन होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ठीक ठाक कलेक्शन है अभी, बट ऐसा एक्सट्रीम कलेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं शहजादा मूवी के कलेक्शन के ऊपर, तो दोस्तों शहजादा मूवी जो है जिस तरह से रीमेक था रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, रिव्यू भी अच्छा नहीं मिला, बट दोस्तों इसने एंटमैन से ज्यादा कमाए हैं अपने चौथे दिन पर। पहले दिन की अगर मैं कलेक्शन के बारे में बात करूं तो 6 करोड़ रुपए सोने कमाए, दूसरे दिन 6.65 करोड़ रुपए कमाए, तीसरे दिन आई थिंक 7.55 करोड़ रुपीज कमाई और चौथे दिन जो कलेक्शन निकल गया है वो आया है 2.25 करोड़ रुपीज। अब जो इसका इंडियन टोटल कलेक्शन हो जाता है वो हो जाता है 22.45 करोड़ रुपीज और इस फिल्म का बजट कितना है 75 करोड़ रुपीज, 85 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे इस फिल्म को अगर इस फिल्म को हिट होना है, जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अप्रॉक्सिमेटली 35-40 करोड़ रुपीज ये कमाएगी इंडिया से, क्योंकि इंडिया में ये रिलीज हुई है, रीमेक है, हिंदी में रिलीज हो रहा था और हिंदी ऑडियंस को उतना ज्यादा इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और लिटरली मिलेगा भी नहीं क्योंकि काम भी इस फिल्म के अंदर उतना ज्यादा बेहतरीन नहीं किया गया है। तो ये तो दोनों मूवी के कलेक्शन चौथे दिन के और ऐसे ही मैं आपको अपडेट देता रहता हूं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।